हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ आफ्टर वन किस का सातवा पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बॉब ने जान को किस किया, आई लव यू बोला और वहाँ से चला गया। लेकिन जान अभी भी एक पेड़ की तरह जमा खड़ा था और अपने होठों को छू रहा था। तो चलिए कहानी आगे शुरू करते हैं। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? मैं कुछ सोच क्यों नहीं पा रहा? मुझे केवल इतना पता है, मैं और यू गार्डन में हैं और हम दोनों के बीच हुई आखिरी लड़ाई के बारे में बात करने आए हैं। लेकिन मैं जानता हूँ वह फिर से वही सब बातें करेगी और हम दोनों में फिर से लड़ाई हो जाएगी। लेकिन सच कहूँ तो मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे सकता। वह हमेशा ऐसी ही रहेगी और अपना एक ही रिकॉर्ड बजाती रहेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं सच में नहीं जानता कि उसका मैं क्या करूं। मैं उसे हज़ार बार समझा चुका हूं, मगर वह हमेशा एक ही बात करती है। अगर कुछ अलग हो सकता तो मैं एक ही काम करता, उसे स्विच ऑफ। मैं उसका मतलब अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वह केवल अपने बारे में सोचती है। लेकिन एक बात और भी है, अगर मैं एक नया अपार्टमेंट ले लूं जो उसके अनुकूल हो तो मैं जानता हूं वह मेरे साथ चुपचाप चलेगी। मगर सच में मैं नहीं चाहता कि वह मेरे साथ रहे, और वह भी जब मैं खुद उलझन में हूँ। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि बॉब का किया किस मुझे इतना अच्छा क्यों लगा। आखिर बॉब कौन है? उसका रियल नेम क्या है? वह कहाँ रहता है? और उसने मुझे किस क्यों किया? उसने जाने से पहले मुझे आई लव यू क्यों कहा? डैमन, मैं उसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर रहा? मैं अब भी उसके होठों की वार्मनेस अपने होठों पर महसूस कर रहा हूँ। यह पहली बार नहीं था कि मैंने किसी को किस किया, लेकिन मैंने पहली बार किसी मैन को किस किया और यह मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या इसका मतलब मैं अब मैन को पसंद करता हूँ? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो जान? मुझे माफ़ करना, मैं कुछ सोच रहा था, मगर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दे सकता। मैं बहुत थक गया हूँ, मगर बेहतर होगा कि तुम मेरी बात सुनो, यू ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। वांगी बो ने तुम्हें मौजूदा रेंट से हाफ रेंट में रूम देने की पेशकश की है, जान ने कहा, और मैंने पहले ही बता दिया है मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकता। उस दूसरे लड़के ने कुछ नहीं कहा। सारे फैसले केवल वांगी बो ही कैसे ले सकता है, जान ने कहा, क्योंकि ईवो ही मुख्य किराएदार है और मुझे पूरा यकीन है वह जल्द ही किसी को ढूंढ लेगा जो वहां रहने के लिए इच्छुक हो। क्या तुम सिर्फ एक बार वहां नहीं जा सकते? मैं क्यों? क्योंकि अब तो ईवो ने तुमसे माफ़ी भी मांग ली है। अगर तुम्हें अपने उस ईवो के साथ रहना है तो तुम वहाँ क्यों नहीं चली जाती? तुम उसके साथ जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। जान, क्या तुम्हें ईवो से जलन हो रही है? नहीं, वह बेशक एक हॉट हिप मेल मॉडल है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं ये बातें सुनकर थक गया हूँ। वांगी बो ये है, वांगी बो वह, वांगी बो ने ये कहा, वांगी बो ने वो कहा। क्या तुम वांगी वो और उसके रूम के सिवा कुछ और बातें करना नहीं जानती? तुमने मुझसे फ़ोन पर कहा था कि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन जैसे ही हम एक साथ हुए तुम फिर से वही बातें करने लगी। बेशक यह एक अच्छा ऑफर है, लेकिन मैं और ईवो एक साथ फिट नहीं बैठ सकते। केवल एक पैसे की ही बात नहीं है, वह मेरी तुलना में बहुत अलग इंसान है। उसका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई मेरी तुलना से बहुत अलग है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ कीचड़ में खेलता होगा, वह उसे सिखाया जा रहा होगा कि कीचड़ तुम्हें चुभ जाएगा। वह खाने में स्पून और नाइफ का इस्तेमाल करता है। वह जब सोचता होगा कि मुझे कौन से ब्रांड की पैंट खरीदनी है, मैं उस समय अपने दोस्तों के साथ पैच लगी पैंट के साथ खेल रहा होगा। मैं उससे क्या बातें करूँगा? मैं कोई मेल मॉडल नहीं हूँ और ना ही मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ और ना ही वह मेरी जॉब के बारे में जानता है। और उस दूसरे लड़के के बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि उसे क्या बातें करनी हैं। क्या वह मेरी तरह सिंपल खाना खाता है या फिर वह फास्ट फूड खाते हैं? वह मेरे गाँव के खाने को देखें, यह सोचकर ही मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है।
यह मुझे एक रात की बात याद दिला रहा है। मुझे और बॉब को बहुत तेज़ भूख लगी थी। वह जाकर एक सॉसेज का पैकेट लाया और हम दोनों ने एक ब्रेक लिया और शांति से उन्हें बैठकर खाया। मैं उस मॉडल के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वह तो मुझे यह सब सिखाएगा कि यह खाना कितना अनहेल्दी है और इसमें कितनी कैलोरी है। इससे मुझे स्कूल की एक छात्र की याद आ गई। वह भी मॉडल बनना चाहती थी, जिसके चलते वह केवल गाजर और ककड़ी ही खाती थी। एक दिन पता चला कि उसकी माँ ने उसे शराब पीने के लिए कहा, जिससे एक्स्ट्रा चर्बी जल जाए। यह सुनकर टीचर उस पर नाराज़ हो गए और यह सब करने के लिए मना किया, क्योंकि वह केवल 13 साल की थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने स्कूल आना बंद कर दिया। फिर एक दिन पता चला कि उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसकी बेटी को शराब के साथ और भी कई नशे की लत लग गई थी। मगर कुछ दिनों बाद उसने भी सुसाइड कर लिया। मैन जान, मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, मुझ पर चिल्लाओ मत, ठीक है? मैं अब थक गया हूँ और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। जैन, मुझे कभी कभी तुमसे नफ़रत होती है, मैं जानता हूँ। मुझे भी कभी कभी तुमसे नफ़रत होती है। जान के यह कहते ही यू ने अपने हाथों को बगल में मोड़ा और मुट्ठी भींचते हुए चिल्लाने लगी। लेकिन यह लाइन उसकी सबसे अच्छी थी, आदमी के रूप में तुम एक दुर्लभ नमूने हो। ऐसा नहीं कि उसने यह मुझे पहली बार कहा था, और वह इससे बेहतर कुछ कर भी नहीं सकती। उसकी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वह रुक नहीं सकती, लेकिन जब उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकती तो वह मतलबी और अपमानजनक बातें करने लगती है। कभी कभी लगता है जैसे उसके दो व्यक्तित्व हैं, एक पल में बहुत प्यारी लड़की जिसे तुम बहुत प्यार करना चाहोगे, और दूसरे पल में एक चीखती चिल्लाती औरत। हो सकता है मैं भविष्य में उससे रिश्ता तोड़ दूँ और दूर चला जाऊँ। मुझे तो यह भी याद नहीं है कि हम आखिरी बार कब खुश थे, जब हम एक दूसरे से प्यार करते थे, गले लगाना, बातें करना, एक दूसरे से प्यार करना। लेकिन अब जब भी मैं उसके फ्लैट में जाता हूँ तो वह सीधा मुझ पर जंप कर देती है और फिर किसी भी तरह की बातें करना शुरू कर देती है। और अगर किसी तरह मैं उससे मुक्त हो सकता हूँ तो ज़्यादा समय तक सेक्स में भी मज़ा नहीं आता। यह आपके दैनिक व्यवसाय में उतरने से पहले किए गए कार्य जैसा है, जहाँ कोई प्यार नहीं है या जुनून नहीं है। हो सकता है मेरे और यू के बीच के प्यार का अंत होने वाला है। मुझे यहाँ से जाना होगा और सोचना होगा मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ या नहीं। बॉब ने जब अचानक मुझे किस किया, उस बात को 3 हफ्ते हो गए हैं। उसने कहा था कि वह 2 हफ्ते में वापस आ जाएगा। यू और मैंने एक फैसला किया है, हमें अपने रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। उसने एक जॉइंट फ्लैट में रूम देखने के लिए नियुक्ति की, तो मैंने फैसला किया और कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं वास्तव में तुम्हें प्यार करता हूँ या नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या नहीं। पहले तो मुझे लगा वह कहीं पागल ना हो जाए, लेकिन उसने सिर्फ इस रिश्ते के लिए ब्रेक लेने के लिए कहा और कहा, अगर तुम्हें लगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे फ़ोन करना। उसने मुझे स्पेस दिया ताकि मैं अपने भविष्य के बारे में सोच सकूं और मुझे आगे क्या करना है यह पता कर सकूं। मैं वहाँ भी गया जहाँ मुझे कम से कम रेंट में रहने के लिए कहा गया था, मगर वहाँ के दूसरे किराएदार को शायद इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसने मुझे बिना कुछ हासिल किए वहाँ से भगा दिया। उसने कहा, तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो, जाओ और अपनी औकात में रहकर रूम ढूंढो। हाँ, उसने मुझसे यही कहा था। मुझे नहीं पता वह दोनों इडियट मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। उस डोंकी ने अपार्टमेंट के बारे में अपने रूममेट को नहीं बताया, या शायद वांगी वो कहीं बैठा मुझ पर हंस रहा होगा। रात का समय जॉब पर जान सोच रहा था, मुझे आखिर एक नई डिलीवरी वैन मिल गई। मुझे खुशी है कि मुझे अब वह भारी वैन अपने पीछे नहीं खींचनी पड़ेगी, क्योंकि आज भारी बर्फ़ की घोषणा भी की गई है और मेरा दोस्त बॉब भी मुझे देखना नहीं चाहता। मैं अभी भी उसे ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे कहीं वह दिखाई नहीं देता।
मुझे उसकी बहुत याद आती है, लेकिन यह भी बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे से ना मिलें, क्योंकि साफ तौर पर लगता है कि वह मेंस को पसंद करता है और मुझे नहीं लगता कि मैं मेंस को पसंद करता हूँ। मैं केवल एक किस्से यह नहीं कह सकता। मुझे अफसोस होता है, मैंने उसे अपना एक अच्छा दोस्त माना था जिसने मेरा साथ दिया, जो मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन दोस्ती के नाम पे यह ज़्यादा अफसोस की बात है कि मैं उसे ठीक से जानता भी नहीं और ना ही हम दोनों ने कभी एक दूसरे से फ़ोन नंबर मांगे। शायद वह देखना चाहता हो कि मेरा विश्वास जीतने में कितना समय लगेगा या यह कि मैं उसके साथ कितनी दूर तक जा सकता हूँ। हालांकि मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। मुझे गुस्सा आता है कि उसने मुझे किस किया और बहुत दूर चला गया, जिसे मैंने ना जाने कब से देखा ना सुना। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। मुझे उसे जानना अच्छा लगता। आखिर वह पहला मैन था जिसने मुझे किस किया। मैं इस प्रवेश द्वार से उस प्रवेश द्वार पर जल्दी जल्दी काम कर रहा था, क्योंकि आज मेरे पास मेरी डिलीवरी बहन है तो मेरे पास काम भी अधिक है, ज़्यादा अधिक काम मतलब ज़्यादा पैसे। लेकिन इस सब में ज़्यादा विशेष बात यह है कि मैं इन सब में बॉब और उसके किए हुए किस को भूल जाना चाहता हूँ। इन सब से मैं इतना भ्रमित हो गया था कि यह सब मैंने अपनी सिस्टर को बता दिया। उन्होंने मुझे दो उत्तर दिए, या तो मैं मेंस को पसंद करता हूँ या फिर दोनों को। मैंने बाद वाला उत्तर चुना, खासकर जब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। निश्चित रूप से जब इन सब का पता लगाना आसान नहीं है। यह केवल एक भ्रम है और अगर बॉब मुझसे दोबारा मिलना चाहेगा तो मैं उसे बता दूंगा कि मैं मेंस को पसंद नहीं करता और तुम मेरे लिए कोई उम्मीद मत रखना और अपने लिए कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लो जो तुम्हारे जैसा हो। मैं अब आखिरी प्रवेश द्वार पर न्यूज़पेपर और ब्रोशर डिलीवर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं वापस घर जाऊँगा। 2 घंटे की नींद, शावर और फिर म्यूजियम में जॉब, और उसके बाद स्टेशनरी शॉप में 3 घंटे की जॉब, और फिर मेरी 10 दिन की छुट्टी। आखिर 1 साल से ज़्यादा काम करने के बाद मुझे छुट्टियाँ मिल गई और मैं उनका पूरा आनंद लूँगा। हो सकता है कि मैं गांव अपने पेरेंट्स के पास चला जाऊँ, वहाँ मैं थोड़ा आराम भी कर सकूँगा और शायद मुझे यह भी पता चल जाए कि मैं यू के साथ रहना चाहता हूँ या नहीं। मेरे पेरेंट्स ऊपरी तौर पर ही खुश होंगे अगर मैं यू के साथ रहूँगा, क्योंकि वह यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वह हमेशा मेरे पेरेंट्स के बनाए हुए खाने को खाने से इनकार कर देती है। यह या तो इसलिए है कि वह एक अमीर बिगड़ैल लड़की है, या वह ज़्यादा कैलोरी का खाना खाना नहीं चाहती। मैं जब म्यूजियम में पहुँचा तो वाइसू ने मुझे बताया फिर से स्कूल की कई कक्षाओं के बच्चों की आने की उम्मीद है। बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा होगा कि आज मुझे आप इन सब से अलग कर दें। मेरा आज टीचर और बच्चों के साथ डीलिंग करने का मन नहीं है। मेरे पास कैटलॉग के कुछ नए पीसेज हैं। मुझे मैनेजर ने कल यह काम करने के लिए कहा था, मगर मैं कल उसे करने में सक्षम नहीं था, मगर आज मुझे यह काम करना होगा। उस पुराने गोज के पास मुझ पर चिल्लाने का कारण पहले से ही है और मेरी अभी उसकी दी वार्निंग भी ख़त्म नहीं हुई है, और मैनेजर जो कहता है वो करता है। जान जैसे ही जाने वाला था तभी मैनेजर का फ़ोन आया, तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास पाई गई वस्तुओं का एक बड़ा समूह मिला है जिसे वह सूचीबद्ध करना चाहता है और उनमें से कुछ म्यूजियम में दान करने की सोच रहा है। जान सोच रहा था, मुझे नफरत है यह सब सूचीबद्ध करना, जांच करना, मूल्यांकन करना, न्याय करना और कार्यों को जांच करना। जब हम म्यूजियम में ऐसा काम करते हैं तो हमारे पास आमतौर पर एक ही कैटलॉग होती है और हमें इसी के अनुसार उसे अनुकूलित करना पड़ता है, लेकिन जब बाहर के लोग आते हैं तो हमें हमारी विशेषताओं के बारे में पूछते हैं और हमें यह सब बताना पड़ता है। तो यहाँ पर म्यूजियम के कार्य के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा हुआ है और मैं नहीं चाहती कि आप यह सुनकर बोर हों, इसलिए मैं यह सब आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। कलाकृति की जांच करना या प्रमाणिकता की जांच करना, अनुमान लगाना कि इस पर जो साल लिखी है वह सही है या नहीं, स्थिति को जांचना और फिर कैटलॉग बनाने से पहले असली दस्तावेज को जाँच करना,
मेरे बॉस जब यह सब शुरू करेंगे तो एक दिन से ज़्यादा का समय लगेगा और वह मेरे सिवा किसी और को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए मतलब कि मेरी छुट्टियों को तो मैं भूल ही जाऊं। मेरे म्यूजियम के बॉस की उम्र 60 साल की है। उन्हें एक बड़ी खोज करते वक्त एक गहरी चोट लग गई थी जिसके कारण वह सही से चल नहीं सकते। देखने में लगता है जैसे वे अभी भी पेन में हों और अधिक समय तक खड़े नहीं हो सकते। कल रात से शुरू हुई बर्फबारी अभी भी रुकी नहीं है और मैनेजर हमेशा की तरह दुगने चिड़चिड़े लग रहे हैं। हमने म्यूजियम ट्रांसपोर्टर के साथ कई कंबल, पानी, ब्रश, सेट और कागज़ के साथ 3 बड़े फोल्डर हम व्यापारी के घर लेकर पहुँचे। हमने जब उस बड़ी हवेली की तरफ देखा जिसकी तरफ हम जा रहे थे, ब्लैक लोहे के गहने वाली एक चौड़ी विंग गेट ने हमारा रास्ता रोक लिया। मैनेजर ने जब घंटी बजाई तो कुछ सेकंड बाद एक बुजुर्ग ने गेट खोला जिसने अपना परिचय बटलर के रूप में दिया और वह हमें एक बड़े से लिविंग रूम में ले गया। हम शायद वहाँ 3 मिनट तक बैठे रहे जब एक और बुजुर्ग वहाँ पर आया जिनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उन्होंने पहले मैनेजर को और फिर मुझे बधाई दी, फिर उन्होंने अपना परिचय बांग लैन के रूप में दिया। तो चलिए दोस्तों, आज का पाठ मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। दोस्तों मुझे लग रहा है यह कहानी आपको पसंद नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों यह कहानी बहुत खूबसूरत है। इस कहानी में ईबो को केवल जान का दिल ही नहीं जीतना है बल्कि उसे भरोसा दिलाना है कि वह उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। दोस्तों यह कहानी बहुत सुंदर है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।